ओ नो, हाल देखिए मेरे कैक्टस का। भाग क्या यहाँ से। हाय एवरीवन, दिस इज गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। और आज मेरे गार्डन का हाल देखेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और रात को कल बहुत ही तेज बारिश हुई थी और मेरा पूरा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे फिश के एक्वेरियम का जो कवर है वो यहाँ पड़ा हुआ है, हवा में ये उड़ गया है। पहले इसे लगा देती हूँ। उल्टा लग गया। हाय शिरो। अरे हट जा। गधा। अरे वो खाने की चीज ना है। हमने एक गाय पाल रखी है जो कि यहाँ घास खाने बीच बीच में आती है, और आप कह रहे होंगे कि मैं उसे मना क्यों नहीं कर रही हूँ, तो उसका रीजन ये है कि उसने मेरे लीली के पास। अरे यहाँ से। ये देखिए मेरे नारायण लीली का पौधा कितना बुरी तरीके से इसने खा लिया है। ऐसा लग रहा है कोई मोटा कैटरपिलर हो, और अब वो मेरे गोल्डन रॉड के पत्तों को खा रहा है। भाग जा यहाँ से। अरे देखिए, अरे ये वैजयंती का पौधा है, लाल वाले वैजयंती का, और हवा से ये गिर गया है। मैंने रिसेंटली इसे इस बॉक्स से निकाला था और मैं इसे यहाँ रखी हुई थी ताकि बाद में मैं इसे रिपोर्ट कर सकूँ, लेकिन हवा से ये बार बार ही गिराता है। और यहाँ क्या है? अरे मेरा दस्ताना, इसे तो मैं ढूंढ रही थी। पता नहीं दूसरा पेयर कहाँ है। बाकी सब तो नॉर्मल लग रहा है। और ओ नो, मेरा ग्रोइंग बास्केट, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। लगता है हवा में ये उड़ा और फिर, खैर मैं इसका आधा पार्ट जो है यूज़ कर सकती हूँ। वायर। उसके अलावा मेरे सैकुलेंट सही लग रहे हैं, बाकी पौधे भी ठीक लग रहे हैं। उस तरफ बढ़ रहे थे ना हम लोग। ये देखिए हवा ने मेरे बेचारे पोर्चुलाका का क्या हाल किया है, पूरा एक तरफ झुक गया है। ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इन्हें कटिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन हवा के कारण ये पूरा एक तरफ झुक गया है। चलिए बारिश के बाद इसे ठीक करते हैं। उसके अलावा चलिए इस तरफ देखते हैं, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। ओ बेचारा कमल का पौधा, ये तो इसमें से एक और था, ये तो झड़ गया। ओह गॉड। और यहाँ पे कल रात ही ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे, मैंने इन पर एक वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम में। ये मेरी प्रोफाइल है, आप जाए तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए मेरे ये छोटे कप जो है गिर के टूट गए हैं, कुछ और पे थे। ओ नो, हाल देखिए मेरे कैक्टस का, ये बहुत मुश्किल से बढ़ रहा था। ये तो खैर, ये देखिए ये तो टूट गया यहाँ से। मैंने इसे हाल ही में ब्रेडेड भी बनाया था, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ से मेरे जो कैक्टस का पौधा है ये भी टूट गया है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया है। इसे मैं उठा लेती हूँ। ओह नो, ये देखिए ये टूट गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये भी एक बोनसाई है 3 साल पुराना। इसके अलावा बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। ये गमला उधर कहीं दूर पर रखा हुआ था और ये उड़ के यहाँ कैसे आ गया। और ये देखिए मेरे कुछ और भी कैक्टस के पौधे हैं, इन्हें कहीं और रखना पड़ेगा। ये छोटे गमले के हिसाब से काफ़ी लंबे हो गए हैं शायद, इसलिए ये बार बार हवा से गिर जाते हैं। बाकी पौधे तो सही लग रहे हैं। कुछ और भी पौधे हैं उस तरफ, मैं उन्हें भी चेक करूँगी। ये देखिए मेरे बेचारे लोटस, ये खिलते ये काफ़ी खूबसूरत दिखते, लेकिन इनमें पानी की मार पड़ी है, इस कारण ये ऐसे हो गए हैं। ओ एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। और अरे गधे डॉगी, यहाँ देख। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।